हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये बहुत ही खूबसूरत और आसान मल्टी कलर बुनाई डिज़ाइन बनाएंगे। वैसे तो इसे आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह भी इससे बना सकते हैं, लेकिन आप इससे अगर कुशन कवर्स बनाएंगे या फिर बैग्स पर्सेस वगैरह भी बनाएंगे वो भी बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे बनाने से पहले हम थोड़ा जल्दी जल्दी सीखेंगे कि हम ये रिंग्स किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि दो तरीके से हम ये रिंग्स बना सकते हैं। देखिए, इसे आप क्रोशिया या सुई दोनों की हेल्प से बना सकते हैं। तो पहले हम इसे क्रोशिया से सीखेंगे जल्दी जल्दी बनाना। अगर आपको क्रोशिया से नहीं आता है या क्रोशिया यूज़ नहीं करना जानते हैं तो नीडल की हेल्प से बना सकते हैं। पहले हमने एक स्लिप नॉट बनाई, फिर हम 6 चेन्स लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं लेंगे चेन्स को। अब जो फर्स्ट चेन है इसमें पहले एक रिंग बना के इस तरह से एक चेन लेंगे। अब थोड़ा टाइट टाइट करके हमने इसके ऊपर एक एक इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए रिंग बना लेना है। ये देखिए सिंगल क्रोशे, तो ये हमारे 14 सिंगल क्रोशेस बनेंगे। एक हमने चेन ली थी तो 15 हो जाएंगे उस हिसाब से। तो ये पहले पूरा का पूरा रिंग इसी से भर लेंगे एक सिंगल क्रोशे से। तो ये देखिए हमने ये रिंग बना ली। अब हम फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे था उसमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके थोड़ा टाइट करके खींच लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखकर फिर इसे काट लेंगे इस तरह से। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम वीव इन कर लेंगे इस तरह से, देखिए। या आप सुई की हेल्प से, नीडल की हेल्प से भी इस धागे को इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं 2-3 बार। फिर क्योंकि ये रिंग हमारा जब बुनाई में चला जाएगा तो इसके निकलने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ से काट लेते हैं। तो ये तो था हमारा क्रोशिया वाला स्टाइल रिंग बनाने का। अब देखिए नीडल से, सुई से कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले फिंगर पे हमने 5 बार धागा लपेटना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार धागा लपेटेंगे। अब हमने आधे मीटर के करीब धागा रख लेना है, 1/2 मीटर के करीब, देखिए। बाकी हम इस धागे को काट लेंगे यहाँ पे ऐसे, और इस धागे को फिंगर पे ही लिपटा रहने देंगे। इस बाकी के धागे को हमने नीडल पर ले लेना है, तो ये सुई में ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो ये हमने उंगली पे धागा लपेटा है इसके ऊपर हम इस धागे को इस तरह से, जैसे हम बटन होल स्टिच करते हैं, ये देखिए काज वाला टांका, उस स्टिच से हमने इस पूरे के पूरे रिंग पे ऐसे धागा लपेटते जाना है टाइट टाइट करके। ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे, लेकिन एक ही तरह की टेंशन रखिएगा तभी अच्छा साफ रिंग बनेगा। ये देखिए ऐसे। तो पूरे के पूरे रिंग में हम इस तरह से बटन होल स्टिच करते हुए इस रिंग को कवर कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स अभी पूरा रिंग ऐसे कवर कर लेते हैं पहले। तो देखिए हमने इस रिंग को नीडल की हेल्प से भी बना लिया। अब इस धागे को भी पीछे से हम इस तरह से वीव इन कर लेंगे थोड़ी सी नॉट सी लगा के, और फिर बाकी के एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। तो ये हमने दोनों जो है तरह से रिंग्स बनाने सीख लिए। अब देखिए बटन है ये वाला, इसके लिए हमें 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10+2। तो हम इसे 22 फंदों पे बनाएंगे। ये देखिए 22 स्टिचेस मैंने यहाँ पे कास्टून किए हैं। फर्स्ट रो राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से। अब क्योंकि हमने इसमें बॉर्डर नहीं बनाया है, केबल्स में बॉर्डर ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छी लगती है ये। तो एक फंदा हमने स्लिप करना था लेकिन फर्स्ट रो इसलिए सीधा बुना। अब 2 फंदे, ये जो हमने एच स्टिच बुना इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर से 2 फंदे उल्टे। यानी ये जो 10 फंदे हमने बुने, 2 उल्टे 6 सीधे 2 उल्टे, ये अब हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिए 2 उल्टे 6 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 2 उल्टे। तो ये 10 फंदे पूरी रो में रिपीट करते जब जाएंगे तो
तो लास्ट में हमारा सिर्फ एक ही फंदा बचेगा, ये एच स्टिच, जिसे हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि 10-10 के मल्टीपल मैंने आपको बताया और दो फंदे ही हमारे एच के हैं। अब रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदों को उल्टा बुनना है, हर रॉन्ग साइड रो हमने उल्टी बुननी है, तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। और अब हम रॉन्ग साइड की रोज नहीं बुनेंगे, क्योंकि हमने इन्हें हमेशा ही उल्टा ही बुनना है, तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने दो सिलाइयाँ बुनी, फर्स्ट और सेकंड रो, इनको अब हम दो बार और रिपीट करेंगे, यानी फिर से हमने रो वन की तरह बुनना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद दो उल्टे, छह सीधे, दो उल्टे। तो ये हम दो सिलाइयाँ और बुन लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, हमने ये चार सिलाइयाँ बना ली है, फोर रोज बना ली है इस तरह से। अब इस रो में पहले फंदे को स्लिप करके ये दो फंदे उल्टे जो है, इन्हें तो उल्टा बुनेंगे। अब हमने यहाँ पे ट्विस्टिंग करनी है, ये जो छह फंदे हैं, तो 3x3 की ट्विस्टिंग करने के लिए देखिए, पहले इन छह फंदों को उतारेंगे, जो ये पहले वाले फंदे थे इन्हें पीछे से, और जो आगे वाले फंदे थे उन्हें इस तरह से आगे से लेकर आएंगे, आगे को ऐसे, एक, दो, तीन। अब जो रिंग हमने बनाया है, देखिए, अब इस रिंग की ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है, ये अगर आपको जो साइड साफ लगती हो उसे नीचे की तरफ को रखते हुए, और जो साइड आपको ठीक नहीं लगती उसे ऊपर की तरफ को रखते हुए इस नीडल पर ले लेंगे। अब पहले अगले तीन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, एक, दो, तीन। तीन फंदे बुनने के बाद इस रिंग को इन तीन फंदों के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे, फिर अगले तीन फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ किस तरह से हमने इसे अटैच करना है, दो और ये तीन ऐसे। अब फिर अगले हमारे दो फंदे ये उल्टे आएंगे, और ये जो हमने छह फंदे बुने स्लिप करने के बाद, इनको पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे, यानी फिर से दो फंदे उल्टे आएंगे, पहले एक, दो, और फिर से ये जो छह फंदे हैं इनमें ट्विस्टिंग कर लेंगे पहले। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, तो देखिए हमने इन फंदों को ट्विस्ट कर लिया। अब जो हमने क्रोशिया से बनाया था उस रिंग को यूज़ कर रहे हैं। देखिए, जो जॉइंट वाली साइड होगी उसे बैक साइड पे रखेंगे, और ये नीचे वाली साइड है जिसे ऊपर को रखा है, और ये साफ वाली साइड है जिसे हमने बाहर को लेकर आना है। अब पहले इन तीन फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक, दो, तीन। अब इस रिंग को इन तीन फंदों के बीच में से निकाल कर बाकी के तीन फंदों को बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये रिंग को अटैच कर लिया। आप कलर्स चेंज कर करके ये रिंग्स बना सकते हैं, जैसे मैंने मल्टी कलर में बनाया है। अब अगले दो फंदे उल्टे आएंगे और एक फंदा सीधा आएगा। तो फिफ्थ रो ऐसे बुनी, सिक्स्थ रो सारी हम उल्टी बुन लेंगे, छठी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे पहले। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये रिंग्स अटैच कर लिए। अब हम आठ सिलाइयाँ फिर से ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड बुनी थी, यानी सीधी तरफ से ये दो फंदे उल्टे, छह सीधे, दो उल्टे, और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी। तो इसी में हमने यहाँ पे देखिए कलर्स चेंज कर करके बनाया है इसे। तो आप भी इस पैटर्न को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है और जल्दी बनता है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे बताइएगा कि आपने इसे ट्राई किया है या नहीं, और फोटो मेरे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे नेटिंग नाइफ पे शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर बनाएंगे तो। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर।